ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो ये चैप्टर वन भगवत गीता, मैं समरी डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वन की। भगवद्गीता के फर्स्ट चैप्टर में क्या चल रहा है और शायद फर्स्ट चैप्टर लोग सबसे कम पढ़ते हैं, मगर पूरी भगवद्गीता का बेस ही फर्स्ट चैप्टर है। अगर फर्स्ट चैप्टर को उड़ा दोगे तो भगवद्गीता का कुछ मतलब समझ नहीं आएगा। क्यों भगवान क्यों बोल रहे हैं, अर्जुन को पहली बात बोली क्यों रहे हैं, और दूसरी बात है कि क्या बोल रहे हैं। दोनों ही क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे हमें, और अगर वही ये दोनों क्वेश्चन समझ नहीं आए तो पूरी भगवद्गीता सेंसलेस है। अगर कोई बोल रहा है आपको ये नहीं पता क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसे बातें क्यों कर रहे हो, सुनी क्यों रहे हो। इसलिए फर्स्ट चैप्टर भगवद्गीता की एक तरह से भूमिका ही समझ लीजिए, मतलब बेस सेट कर रही है। और फर्स्ट चैप्टर हमें प्रॉब्लम बता रही है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और सोल्यूशन भी दे रही है उसका सार में, संक्षेप में। तो पहले अध्याय का जो सार है वो ये है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बस एक ही चीज समझाना चाहते हैं। या यूं समझ लीजिए कि पहले अध्याय में युद्ध हो रहा है। अब युद्ध तो है ही, पांडव और कौरव सामने खड़े हैं, मगर सिर्फ ये युद्ध नहीं चल रहा। अगर ध्यान से सोचोगे तो पांडवों की सेना एक तरफ है, कौरवों की सेना एक तरफ है, युद्ध चालू है और गीता बोल रहे हैं। बट भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये मत समझो कि पांडव और कौरवों की फाइट है, ये धर्म और अधर्म की है, मगर इससे भी ऊपर है। केवल धर्म अधर्म की फाइट नहीं है ये युद्ध, इसका जो लक्ष्य है वो कुछ और है। इस युद्ध के द्वारा मुझे इस पृथ्वी को संदेश देना है, और संदेश ये देना है कि काल्पनिक धर्म और असली धर्म में बहुत अंतर है। अर्जुन दुर्योधन अधर्म का पक्ष पे है, दुर्योधन तो अधर्म कर रहा है पूरी तरह, अर्जुन काल्पनिक धर्म है, कंकॉक्टेड धर्म, काल्पनिक धर्म है, अपने मन से उसने धर्म बनाए हुए। मैं अभी इसकी चर्चा करूंगा, मगर भगवान कह रहे हैं अधर्म को छोड़ो, काल्पनिक धर्म को छोड़ो और असली धर्म, सत्यम परम धीमहि, सही धर्म, नित्य धर्म को, नित्य धर्म या जैव धर्म, उसको स्वीकार करो। तो काल्पनिक धर्म और असली धर्म होता क्या है, दैट्स अ क्वेश्चन। नहीं, अर्जुन के माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो तुम सोच रहे हो वो काल्पनिक धर्म है, वो धर्म नहीं है। और भगवान क्या समझाना चाहते हैं अर्जुन को कि असली धर्म क्या होता है, ये पूरी भगवद गीता है। और इसीलिए भगवान ने गीता का निष्कर्ष क्या दिया, कौन सा श्लोक है 18वें अध्याय का 66 श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुचा। ये मेन गीता का कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। प्रॉब्लम है कि अर्जुन काल्पनिक धर्म में फंसा हुआ है, भगवान उसको नित्य धर्म या असली धर्म समझाना चाहते हैं। भगवान ने पूरी गीता खोल के अपना कंक्लूजन दे दिया, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। यहां पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहां पे धर्म का मतलब है सारे काल्पनिक धर्मों को छोड़ दो। माम एकाम शरणम व्रज, असली धर्म क्या है, मेरी शरण लेना, वो स्वीकार कर लो। श्रील प्रभुपाद गीता के पॉपर्ट में थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहे हैं, मगर अगर आप ये पढ़ेंगे ना, हरे कृष्ण चैलेंज पढ़ी थी कल ही करी थी, हरे कृष्ण चुनौती, हरे कृष्ण चैलेंज में प्रभुपाद, ये अपनी कई बुक्स में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सर धर्मान परित्यज्य, तो भगवान कह रहे हैं अपने मन से बनाए हुए धर्म, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या और उससे भी अपने मन से
आपको लग रहा है धर्म है मगर वो धर्म नहीं है, ऐसे भी तो लोग हैं। नहीं, अपने अपने धर्म की परिभाषा बना रखी है। कई लोग धर्म पे चर्चा भी करते हैं, मोस्टली गुरु तो धर्म पे ही बोलते हैं, माता पिता की सेवा करो, देश की सेवा करो, सच बोलो, अच्छा करो, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मगर भगवान कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ दो और असली धर्म स्वीकार करो, मेरी शरण लो। कोई असली धर्म है, जिस धर्म में मेरी शरण नहीं है वो नकली है, वो काल्पनिक है, चाहे वो असली लग रहा हो। दैट्स द पॉइंट। बस ये फाइट है, ये पहले पहले चैप्टर में ये फाइट चल रही है बस। सो अर्जुन के माइंड में फाइट है और भगवान को अर्जुन को कन्विंस करना है पूरी गीता में कि वेल, काल्पनिक धर्म छोड़ के मेरी शरण ले लो, असली धर्म। सो असली धर्म क्या है? भक्ति। भगवान की शरण का मतलब क्या होता है? भक्ति। उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? भक्ति। या तो बोलो भगवान की शरण ले लो या बोल दो भक्ति कर लो। सो पहले अध्याय में भगवान ये समझा रहे हैं कि भक्ति धर्म से ऊपर है। जो साधारण लोग जो धर्म पालन करते हैं, उन्होंने जो अपने मन से धर्म बना रखा है, उससे ऊपर भक्ति है, क्योंकि भक्ति असली धर्म है। और भक्ति है क्या? क्वेश्चन ये। तो भगवान अपने पहले अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक में बता रहे हैं, कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं भक्ति की। प्रभुपाद अपने पॉपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, श्लोक में आपको पता नहीं लगेगा, मगर भगवान परोक्ष भाव, परोक्ष भाव समझते हो, थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं इस श्लोक के, भक्ति क्या है? भक्ति मतलब सेवा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान तथा सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, भक्ति है। सो भगवान ने भक्ति की परिभाषा भी, भगवान ने थोड़ा सा इंडिकेशन दे दिया भक्ति क्या है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में गीता में। फिर मान लीजिए मुझे आपको कुछ समझाना है, सपोज कोई चोरी कर रहा है, मुझे समझाना है भी चोरी मत करो। उसको लग रहा है चोरी करना ठीक है, क्योंकि बचपन से उसके पिताजी ने उसको चोरी करना सिखाया, उसको लग रहा है अच्छा ये चोरी करना गलत क्या है। स्पेशली अगर आप वो क्या कहते हैं उसको, रॉबिन हुड पता है, या हिंदी में कौन सी मूवी थी वो अमिताभ बच्चन की जो रात को चोरी करता था, शहंशाह, दैट वाज अ मूवी। तो वो एक्चुअली वो हीरो था जबकि चोर था क्योंकि उसको लग रहा था कि चलो मैं गरीबों से लेकर अमीरों को दे रहा हूँ, ओ सॉरी हरे कृष्णा, ऐसे अमीरों से लेकर वैसे अमीर भी गरीब ही है। तो पापा ने पपट में लिखा है कि अमीर भी गरीब है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं मगर शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, भक्ति नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि भागवतम में लिखा है, फास्ट क्या कह रहा हूँ, भागवतम में लिखा है कि धन सारी कुमति को जन्म देने वाला धन है, सारी गलत धारणाओं, गलत विचारों को, गलत भावनाओं को, सारे अवगुणों को जन्म देने वाला केवल एक ही जड़ है धन। और धन कमा के लोगों को लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, मगर जितना धन होता है उतने दुखी हो जाते हैं। बल्कि भागवतम ये कह रही है कि धन कमाते कमाते लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं मगर धन को भोग नहीं पाते, कमाते ही रहते हैं। और जब मृत्यु तक ही पहुंचना है तो फिर धन कमाने ही क्यों है। और वैसे भी भागवतम कह रही है कि अब वैसे भी सोच के देखो तो क्या आसान है संसार में मिलना, धन या मृत्यु? धन तो फिर भी दुर्लभ है, मृत्यु तो सर सुलभ है नहीं तो भागवतम कह रही है फिर धन के क्यों पीछे भाग रहे हो, चूज ही करना है तो मृत्यु को क्यों नहीं चूज करते। दैट्स ऑल, इट्स अ गुड लॉजिक। सो मैं क्यों कह रहा हूं हरे कृष्ण, धन 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 धन। सो या सो या धन की बात, चोरी की बात हो रही थी नहीं। सो पॉइंट ये हम यहां पर ये है कि चोर भी समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं द पॉइंट में बता रहा था, जबकि वो चोरी कर रहा है। सो उसी प्रकार भगवान ने समझा रहे हैं कि
कि अर्जुन भी अपने माइंड में सोच रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं, जबकि वो गलत कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा। सो भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम गलत कर रहे हो भैया। अर्जुन मैं बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। भगवान कह रहे हैं असली चीज तो मेरी सेवा करना है, मेरी सेवा करो, उसी को भक्ति कहते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति मतलब सेवा, और भक्ति का आधार क्या है, भगवान ये सब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। सो मैं बता रहा था, आई वॉज जस्ट टेलिंग दिस पॉइंट, जस्ट फॉरगॉट। सो अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि चोरी मत करो, और आपको चोरी करना ठीक लग रहा है, तो अगर मैं आपको एक लाइन बोलूं कि चोरी नहीं करना चाहिए, बुरा है, तो आप समझोगे नहीं, नहीं, क्योंकि आपके माइंड में फिक्स है कि मैं शहंशाह हूं। अब पहले तो आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वेल चोरी करना गलत है। वो कहेगा मुझे ही पता चोरी करना गलत है, बट इस ये स्थिति में ठीक है, क्योंकि मैं अमीरों से धन लेकर गरीबों को दे रहा हूं। सो मुझे आपको एक्सप्लेन पूरा करना पड़ेगा कि अमीर क्या होता है, गरीब क्या होता है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तब भी तुम कर्मों में फंसोगे, हो सकता है लोग तुम्हारी स्तुति करें, मगर तुम कर्मों के चक्कर में फंस जाओगे, भगवान की दृष्टि में गलत है। यू सी इट्स अ बिग थिंग। सो भगवान के सामने एक प्रॉब्लम है। अर्जुन सिर्फ युद्ध करने को मना नहीं कर रहा, इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि अर्जुन अधर्म की साइड ले रहा है। अर्जुन युद्ध करने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि अर्जुन धर्म की साइड ले रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे शहंशाह, वो कह रहा है मैं चोरी करूंगा क्योंकि ये अच्छा काम है। अभी समझ रहे, नहीं समझ रहे हो, ये धर्म है कि जो लोग अमीर लोग अगर गरीबों का शोषण कर रहे हैं तो अमीरों को सजा मिलनी चाहिए, उनसे पैसे चोरी करना गलत नहीं है। मगर शास्त्रों के अनुसार क्या, चोरी करना गलत है, सही है, गलत है, किसी भी कंडीशन में गलत है। अब तो ये जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट का भी एजेंडा यही था, नहीं कम्युनिस्ट पता है ना आप लोगों को, नहीं पता, साम्यवाद रशिया, उनका भी एजेंडा यही था कि भी अमीरों ने शोषण किया गरीबों को, या इंडिया में नक्सलाइट, नक्सलाइट तो पता होगा, क्या पराठे पता है, क्या क्या कर क्या रहे हाँ आप लोग, कुछ नहीं पता क्या दुनिया में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो मतलब संसार में रह रहे हो आप लोग, कुछ तो पता होना चाहिए। सो नक्सलाइट्स होते हैं इंडिया में, माओवादी सुना है, नहीं सुना है, यार दिमाग खराब है, माओवादी सुना होगा, माओवादियों का एजेंडा ही है कि पहले तो ऐसे ही था एटलीस्ट कि अमीरों अमीरों ने शोषण किया बहुत गरीबों का, मिनिस्टर्स ने पॉलिटिशियंस ने, तो इनसे पैसे लेकर गरीबों को बांटेंगे, शुरू ऐसे हुआ था वो, और उनको उनको सब लोगों ने हेल्प भी की है, तो बहुत अच्छा काम है। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे माओवादी खुद ही अमीर बन गए, नहीं अमीरों से पैसे लेने लगे तो वो भी अमीर बन गए, क्योंकि कुछ बांट रहे थे और कुछ रख भी रहे थे, क्योंकि क्योंकि लालच भी तो है, जो लोग अच्छे लोग मर गए फिर काफी लोग जुड़ गए, तो खुद ही अमीर बन गए, तो गरीबों से पैसे छीन के, अमीरों से पैसे छीन के वो गरीब अमीर बन गए, अमीर गरीब बन गए, गरीब तो गरीब ही रह गए। अब वो एक दूसरा शुरू हो गया, वो गुंडे बन गए। सो उन्होंने क्या ठीक किया, क्या अमीरों से पैसे छीन के गरीबों को देना, ऐसा लग रहा था सही है, इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, उन्होंने रोक दिया, देखो कितना अच्छा काम किया, मगर एक्चुअली अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि ये उनका काम नहीं है, भगवान का काम है किसी को सजा देना या कृपा देना। सो भगवान देखेंगे, बल्कि बेस्ट था कि अगर वो उनको भक्ति का प्रचार करे तो सॉल्यूशन हो जाता, तो वो भी ठीक रहते, वो भी ठीक रहते, नहीं तो लालच ही खत्म हो जाता, लालच ही खत्म आता, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व। वो शोषण क्यों कर रहा है गरीब का, क्यों लालच है, माओवादी क्यों अब गुंडे बन गए, क्योंकि उनमें लालच है। सो इसलिए मगर उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, नहीं क्योंकि वो ठीक लग रहा था। ऐसे यहां पे प्रॉब्लम चल रही है, अर्जुन को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है भगवान को, इसलिए इतनी बड़ी गीता बोली गई है, क्योंकि अर्जुन किस में फंसा हुआ है, अर्जुन काल्पनिक धर्म में फंसा हुआ है। अर्जुन सोच रहा है कि मैं धर्म की साइड हूं, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। अर्जुन ने कई कारण भी दिए उसके बाद, नहीं कि मैं कि देखो अगर कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, अगर युद्ध करेंगे तो इतने सारे पुरुष मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे,
स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सोसाइटी करप्ट हो जाएगी, गुरु की हत्या होगी, वो भी अधर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा, वो भी गलत है, शास्त्रों में दिया है। सो युद्ध करना कितना बुरा है, और जबकि हम अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो तो भोग हो गया। धर्म की पहली शिक्षा ये कि भोग मत करो, अपने लिए कुछ मत करो। सो अर्जुन ने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मुझे धर्म की दृष्टि से ठीक नहीं लग रहा। यू सी, तो दुर्योधन को कन्विंस करना फिर भी आसान था, अर्जुन को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुर्योधन तो अधर्म की साइड पे है। दुर्योधन को सीधा बोलेंगे तुम पाप कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। दुर्योधन कहेंगे, दुर्योधन ने क्या बोला, दुर्योधन ने क्या बोला जब कृष्ण ने बोला तुम पापी हो, ये हो, धोखा दे रहे हो, दुर्योधन ने क्या बोला? दुर्योधन ने कहा हाँ मैं पापी हूं, मैं कन्विंस्ड हूं पूरा, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं पापी रहूंगा। यू सी, वो पापी रहने के लिए तैयार था, मगर उसको कंफ्यूजन नहीं थी कि वो पापी है। तभी मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी रहूंगा, तुम भाड़ में जाओ सब, मुझे इसी में ठीक लगता है, मुझे तो अपना राजा चाहिए, चाहे धर्म से चाहिए चाहे धर्म से चाहिए, मुझे चाहिए बस। मैं अर्जुन को कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन धर्म की साइड ले रहा है। प्रभुपाद पपट पढ़ो, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन सही में धर्म की बात कर रहा है। अब भगवान को यह समझाना है, अर्जुन जो तुम समझ रहे हो धर्म है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, क्योंकि वो तुमने अपने मन से बना रखा है। तो वो तुम शास्त्रों से कोट कर रहे हो, मगर शास्त्रों से कोट करते हुए भी तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि जो धर्म मेरी संतुष्टि के लिए नहीं है वो क्या है, वो अधर्म है बस। तो अब शहंशाह को बोलोगे कि माओवादी को बोलोगे कि चोरी करना गलत है, अमीरों से पैसे छीनना, तो शहंशाह कहेगा नहीं गलत क्या है, शोषण करने वालों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तब उसको बोलोगे बेटे बात ठीक है शहंशाह, मगर पॉइंट ये है कि कुछ भी करना चाहिए वो किसकी संतुष्टि के लिए होना चाहिए, भगवान की। यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें भी समझ आ रहा है, हमें भी समझ आता है कि चोरी करना गलत है, मगर जो तुम कम काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बुरा नहीं है, क्योंकि समाज में ना पुलिस काम कर रही है ना कुछ कर रही है, गरीबों को शोषण कर रहे हैं, उनकी मदद करना बुरा नहीं है, मगर भगवान की दृष्टि में ठीक नहीं, क्योंकि तुम भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे। दैट्स अ प्रॉब्लम देयर, यू सी। सो इसलिए भगवान ने थोड़ा सा यहां पर भक्ति की चर्चा की है 21-22 श्लोक में अर्जुन को समझाने के लिए कि अर्जुन तुम धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मगर धर्म भी मेरी संतुष्टि के लिए होना चाहिए। अभी तुम धर्म की बड़ी बड़ी बातें अपने लिए करते जा रहे हो, तुम धर्म की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें युद्ध नहीं करना ना, इसलिए ही है ना, तुम सोच रहे हो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, भाड़ में जाए, मेरी इच्छा क्या है ये समझो। सो भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब भगवान की इच्छा पूरी करना, दैट्स आइडिया। भक्ति का आधार है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, भक्ति का आधार क्या है, भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। भक्ति का आधार भगवान और भक्त के बीच में संबंध है। सेवा हम भगवान की तभी कर सकते हैं जब हमें भगवान अपने लग रहे हो, वरना कैसे करोगे, है नहीं? सो आप कहोगे अभी तो हमें नहीं लग रहे भगवान अपने, किसी को लग रहे, थोड़े से लग रहे होंगे, ज्यादा नहीं लग रहे, है नहीं? यस या नहीं? क्योंकि ज्यादा तो अपने कौन लग रहा है, अपने ही लग रहे हैं ज्यादा, अपने बच्चे, अपना घर, अपना शरीर। सो मगर भक्ति तभी, सेवा तभी कर सकते हैं जितनी भगवान हमें अपने लगे। मगर अभी हम सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं लेटर में, नहीं अभी हम, फिर हम सेवा क्यों कर रहे हैं अभी, पॉइंट है, अभी हम सेवा कर रहे हैं वैष्णवों की कृपा से, क्योंकि वैष्णव हमें भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अगर आज यहाँ पे बटाला में मंदिर नहीं होगा, वैष्णव नहीं होंगे, तो आपकी माला धीरे धीरे छोड़ जाएगी, बस दैट्स ऑल। अगर आप कन्विंस नहीं हो तो हम एक महीना बंद कर देते हैं मंदिर, देख लेते हैं फिर क्या होगा, आपसे कोई छूट जाएगी भक्ति, ज्यादा नहीं आप चल, कोई नहीं चल सकता बिना भक्तों के, बिना वैष्णव के। सो मगर जैसे ऐसे भगवान अपने लगने लगेंगे, ऐसे ऐसे भगवान की सेवा आप स्वयं करने लगोगे। सो भक्ति का आधार है सेवक स्वामी, भगवान तथा उनके
सेवक में अत्यंत मधुर दिव्य होता है संबंध। सो सेवा करते करते भगवान से संबंध स्थापित होने लगता है, आपको भगवान अपने लगने लगेंगे, भगवान की बातें अपनी लगने लगेंगी, भगवान की इच्छाएं आपको लगने लगेंगी अपनी इच्छाएं। सो वो धीरे धीरे कब होगा, जब भगवान की सेवा करते करते आसक्ति होने लगेगी। यू सी, सो भगवान को गीता में अर्जुन को एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा कि आसक्ति क्या होती है। अब डिटेल में भी आसक्ति क्या मुझे बताओ, और क्योंकि सेवा को एक्सप्लेन करने के लिए आसक्ति बतानी पड़ेगी, आसक्ति को बताने के लिए फिर संबंध बताना पड़ेगा, संबंध को समझाने के लिए बताना पड़ेगा भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, उनके बीच में संबंध क्या है। तो ये पूरी गीता इसी थीम पर चल रही है, एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी गीता है। भगवान तथा उनके सेवा का संबंध अत्यंत मधुर व दिव्य होता है, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी गीता है। अर्जुन के अगर आपको ये सेंटेंस समझ आ गया, आपको गीता समझ आ गई, बस। इसके आगे भी, सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। अगर ये दो सेंटेंस समझ आ जाए, आपको गीता समझ आ गई, बस, दैट्स ऑल, फिनिश, दैट्स ऑल। अर्जुन के दिमाग में घुसाना है भगवान को, मगर अर्जुन की तरह हम भी है नहीं, हमारे भी तो लॉजिक होते हैं अर्जुन की तरह भी। हम लोगों से कहते हैं भक्ति करो, सो लोग कहते हैं नहीं, हम देखिए, हम कुछ गलत काम तो हम झूठ नहीं बोल रहे, हम डाका नहीं डाल रहे, चोरी नहीं कर रहे, खून नहीं कर रहे, नहीं गलत नहीं बोल रहे, तो भक्ति क्यों करें हम तो बल्कि धर्म पालन करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, कहते नहीं कहते समाज की सेवा करेंगे, वो अच्छा है। प्रॉब्लम वही है, जो अर्जुन की प्रॉब्लम है वही उनकी भी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, वो सब तो धर्म है, मगर अगर वो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं हो रहा तो वो काल्पनिक धर्म है, वो नॉनसेंस है, वो बकवास है। इसलिए लोग भक्ति नहीं करते हैं नहीं, इंडिया में तो ऐसे ही है नहीं, बाहर के देशों में तो चलो धर्म है ही नहीं, इंडिया में प्रॉब्लम यही है जो गीता में भगवान अर्जुन को प्रॉब्लम हो रही है, सेम प्रॉब्लम। या किसी से बोलते हैं अभी हम कि जो ऐसे जो शादीशुदा नहीं होते कि घर छोड़ दो, फुल टाइम बन जाओ, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो माता पिता ने बहुत कुछ किया है, हम कैसे छोड़ दें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, लोग छोड़ नहीं पाते, कहीं यूथ छोड़ नहीं पाते, मतलब मम्मी 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 कह के 40 साल का होएगा तब भी मम्मी, इंडिया में तो ऐसे ही है नहीं, 40 साल भी मम्मी की गोद में सो रहा होगा। सो दैट्स अच्छा है बुरा है, दैट्स अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि पेरेंट्स अभी भी डिपेंडेंट है वो। वो अधर्म की वजह से भक्ति में नहीं आ रहा, वो धर्म ऐसे भक्ति में नहीं आ रहा, अर्जुन भी ऐसे धर्म की वजह से भक्ति में नहीं आ पा रहा, वो भी अपने लॉजिक दे रहा है धर्म के, ये हो जाएगा वो जाएगा, भगवान कह रहे हैं बेटे बकवास, मेरी बात मानो तब फायदा होगा, ये अपने फालतू के फंडे धर्म के छोड़ दो, ये तुम्हारे फंडे हैं, मगर तुम अपने फंडे शास्त्रों से प्रूफ कर रहे हो। यू सी पॉइंट क्या हो रहा है, नहीं लोग अपने आइडियाज गीता के थ्रू प्रूफ करते हैं, होता है नहीं होता, पॉलिटिशियंस ऐसे ही तो होते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं काम करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, ओके गीता में लिखा है योगा कर्म सुकौशलम, मतलब हो ही रहा है, गीता में लिखा है कि योग क्या है, कर्म में कुशलता, कर्म करना चाहिए। या मिलिट्री में जाओगे, मिलिट्री वाले भी कहते हैं देखो जैसे जैसे अर्जुन ने युद्ध किया ऐसे हमें भी युद्ध करना चाहिए। वो उनके फंडे हैं, मगर शास्त्रों से प्रूफ कर रहे हैं, तो साधारण लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो शास्त्रों में लिखा तो है, शास्त्रों में लिखा है कि माता पिता की सेवा होनी चाहिए, लिखा हुआ है, ठीक है शास्त्रों में, हम लोगों से कहते हैं कि भी आप लोगों को ज्यादा धन नहीं कमाना चाहिए, तो लोग कहते नहीं शास्त्रों में लिखा है गृहस्थाश्रम में धन कमाना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखो गृहस्थाश्रम होते हैं धर्म अर्थ काम के लिए,
और फिर ज्यादा पैसे कमा के, शास्त्रों में भी लिखा है कि गृहस्थ को दान करना चाहिए, पैसे नहीं होंगे तो दान क्या करेंगे, इसलिए पैसे भी कमाते हैं और दान भी करते हैं। यू सी देयर ओन लॉजिक्स, मगर वो लॉजिक आपको ठीक लगेंगे क्योंकि आप शास्त्रों से कोट कर रहे हैं, मगर हैं आपके फंडे। सो दैट्स द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। सो इसलिए भगवान को एक गीता बोलनी पड़ी, अर्जुन के अपने फंडे थे मगर वो धर्म की आड़ में अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं धर्म की आड़ में। भगवान कह रहे नहीं नहीं, भगवान समझ गए, भगवान ने कहा नहीं गलत है, ये तुम्हारी इच्छा युद्ध ना करने की, तुम धर्म की आड़ ले रहे हो, मेरी इच्छा युद्ध होने की, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, धर्म की आड़ में अपनी इच्छा पूरी मत करो, है नहीं। अगर कोई साधु कहे किसी को कि तुम छोड़ के सन्यासी बन जाओ, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको घर छोड़ देना चाहिए, सिंपल, दैट्स ऑल। फॉर द पॉइंट इज कि अगर वो शादी करता है तो इसका मतलब वो अपनी इच्छा को शास्त्रों की आड़ में पूरी करना चाहता है, और शास्त्रों में लिखा है शादी भी कर सकते हो, लिखा है कई श्लोक है साफ कोटेशन दे दोगे, देखो यहां पे लिखा है, आचार्यों ने भी की थी, उन्होंने भी की थी, सबने की थी, भक्ति और ठाकुर ने भी शादी की थी, और इसने अद्वैत आचार्य ने भी की थी, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। तो अफकोर्स उसने ये नहीं सोचा कि वो भक्ति और ठाकुर नहीं है और ना अद्वैत आचार्य। सो पॉइंट समझ गए नहीं समझ गए पॉइंट, इसलिए फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी सेम पोजीशन में फंसे पड़े। सो भगवान का आइडिया ये भी, मेरी बात और वैष्णव की बात मान लो तो बचे रहोगे, अपने माइंड से सोचते रहोगे तो तुम्हें लगेगा तुम ठीक हो, अपने माइंड से सोचोगे तो तुम अजीब अजीब लॉजिक भी दोगे। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप अपने माइंड से सोचने लगते हो ना तो क्या होता है, तो व्यक्ति जैसे जैसे अर्जुन सोच रहा है, अपने माइंड से सोच रहा है ना, तो क्या करता है व्यक्ति, भगवान 24वें श्लोक में बोल रहे हैं यहां पर, तो क्या करता है अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। सो अर्जुन, भगवान यहां पर लिख रहे हैं, मतलब प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब भगवान ने अर्जुन को कहा 25वें श्लोक में, कुरुओं को देखो, भगवान ने रथ ले गए बीच में और भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कौरवों को देखो, भीष्म को देखो, द्रोणाचार्य को देखो, इनको देखो, प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब भगवान ने ऐसा कहा अर्जुन से तो इससे उनका क्या अभिप्राय था, क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था, कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसा आशा नहीं थी, इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दे दी। भगवान समझ गए कि अर्जुन के माइंड में प्रॉब्लम आ चुकी है, वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, वो धर्म की आड़ में अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा है कि भैया मेरे स्वजन है, आसक्त हो गया ना, आसक्ति हो गई ना, अब मैं इनको कैसे मारूंगा, इसे तो मैं छोड़ के बैठ जाता हूँ यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अपने लोगों को मार दूंगा, मेरी बेइज्जती होगी, नहीं बाद में अपने गुरु को मार दिया, ये सब कर दिया और युद्ध हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं, तो मैं करूंगा क्या अकेले, यू सी ये प्रॉब्लम आ गई। सो क्या हो गया, अर्जुन बेवकूफ बन गया, समझ रहे हो। सो जब आप अपने मन से सोचने लगते हो, जैसे आप अपने मन से सोचोगे, वैष्णव और शास्त्रों की बात मना कर दोगे, तो दूसरा स्टेप ये आ गया, दूसरा स्टेप है कि आप अपनी बेवकूफी और आसक्तियों में फंस जाओगे, और फिर तीसरा स्टेप होगा कि उस आसक्ति से अंधे हो जाओगे, आसक्ति अंधा कर देती नहीं आती। सो अर्जुन ने फिर उसके बाद पढ़ना श्लोक, अर्जुन ने अपने अपने गुरु भीष्म पितामह को देखा और सारे रिलेटिव्स को देखा नहीं देखा, और फिर अर्जुन ने क्या बोला कृष्ण से, कृष्ण मेरा गांडीव गिर रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, ये मेरे स्वजन है, इनको कैसे मारूंगा, मेरे मामा चाचा सब खड़े हैं, नहीं तो आसक्ति से अंधा हो गया वो, अब उसको भगवान ही दिखाई देना बंद हो गए,
उस कौन दिखाई देने लगे, स्वजन दिखाई देने लगे। और जब व्यक्ति अंधा हो जाता है तो क्या करता है, फिर उसके बाद लॉजिक्स देने लगता है। उसने अपना फंडा बनाया ना कि मैं नहीं लड़ूंगा, अब उसको जस्टिफाई भी तो करना है। जस्टिफाई समझते हो नहीं समझते हो, जो आपका आइडिया फिर उसको कैसे जस्टिफाई कैसे कहेंगे, नहीं एक्सप्लेन नहीं जस्टिफाई, जो आपने फंडा दिया है उसको उसके लिए कुछ तर्क भी तो देना होगा आपके अपने अपनी बुद्धि से, अपने मन को कि मैं सही हूं, है नहीं, कुछ तर्क तो होना चाहिए आपके पास। तो फिर जब अंधा आता है व्यक्ति, आसक्ति से भगवान दिखना बंद हो जाते हैं, तो बुद्धि अपने कुतर्क देने लगती है आपके फंडे को जस्टिफाई करने के लिए। इसलिए आगे के श्लोकों में अर्जुन ने अपने कुतर्क देना शुरू कर दिए। इतने सारे कुतर्क आ रहे नहीं आ रहे, अर्जुन ने कहा भगवान अगर ऐसा मर जाएंगे तो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और फिर कुटुंबियों को मारने से क्या होगा, एक रीजन, दो रीजन, चार रीजन, पांच, छह, सात, आठ, दस रीजन आ गए, होता है नहीं होता है। सो करोड़ों रीजन आ जाते हैं। सो हम ये एग्जांपल है, मतलब मैं एग्जांपल नहीं दे रहे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं कि हम किसी को बोलते ब्रह्मचारी बनो तो वो नहीं मानता, उसके आंखों अंधा हो गया आ सकती से पिछले जन्मों की प्रॉब्लम से। सो फिर कहीं फिर बैठे बैठे फिर अपने माइंड को तर्क तो देना ही है, तो तर्क आने लगते हैं यार नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक्चुअली अब बाद में जाके फॉल डाउन होगा तो क्या होगा, इसलिए अभी स्टेबल हो जाना चाहिए ज़्यादा अच्छा है, बात तो ठीक है। और फिर माता पिता को कौन देखभाल करेगा, उनका क्या होगा। और फिर उसके बाद अगर मैं मंदिर चला गया और फिर घर वापस आया, कोई जॉब भी नहीं होगी इतने सालों बाद, छूट गई छड़ी, फिर क्या करेंगे, फिर तो सड़क पर रहना पड़ेगा। और फिर मंदिर में तो कोई किसी की देखभाल भी नहीं करता, बीमार हो गया तो क्या होगा, लोग फिर तो मंदिर से निकाल देंगे हमें, नहीं अगर आप मंदिर में बीमार हो गए तो आपको निकाल देंगे। नहीं अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी को एड्स हो गया तो क्या करोगे, रखेंगे क्या, कहोगे नहीं यार मैं तो 10 साल से मंदिर में हूँ प्लीज हमें रख लो। वेल आपको जाना पड़ेगा क्योंकि और डिबोटिस को हो जाएगा, नहीं प्रॉब्लम ये है, या HIV हो गया, HIV हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस बी वो तो बहुत जल्दी फैलता है ना, तो फिर भी आप चलो आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे वृंदावन में, अगर आप अकेले रहो। अच्छे मंदिरों में फिर भी अरेंजमेंट कर देंगे, बुरे मंदिरों में गेट आउट, भी आपकी सेवा नहीं हो रही, आप पड़े हो रूम में 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया निकल जाओ, तो ऐसा होता भी है। अगर देखो मैं तो ऐसा देखता हूँ इस्कॉन में होता है, फिर क्या होगा, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कैसे होगा, तर्क आ गए नहीं आ गए, सही भी लग रहे हैं मगर है क्या है, सारे है कुतर्क, कंप्लीट नॉनसेंस। ऐसे अर्जुन को लग रहा है सही है मेरे तर्क, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, भगवान ने कहा ये नॉनसेंस है, क्योंकि इसकी कोई वैलिडिटी नॉनसेंस है। ब्रह्मचारी बनना ही मतलब क्या होता है, भगवान पे आश्रित होना। आप चाहे सड़क पे रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे खाना मिले चाहे नहीं मिले, आपको हैप्पी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल दो मंदिर से, आज हम निकल जाएंगे, हमें क्या, हम तो सड़क पे रह लेंगे फुल टाइम, तो वही होता है ना, है नहीं। सो हर फुल टाइम को इससे गुजरना तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है, जो नहीं गुजरता फिर वो स्ट्रांग नहीं बनते, है नहीं। मुझे भी निकाला था एक बार मंदिर से, 2 बार निकाल चुके हैं मंदिर से, एक बार तो मार के निकाला था, एक बार ऐसे निकाल दिया था उसने, ऐसी टिकट दे दी थी, ऐसी इल्जाम लगा लो के, क्योंकि उनको पैसे कलेक्ट करने थे, मुझे प्रीचिंग करनी थी, सो कह रहे थे तुम पैसे कलेक्ट करो। मैंने कहा यार मैं पैसे छोड़ गया हूँ, मैं क्यों कलेक्ट करूँ, मैं प्रचार करूँगा, तुम्हें करना तुम कर लो। मैंने कहा नहीं महाराज रहना तो ऐसे ही करना पड़ेगा, मैंने कहा जो करना है कर लो भाड़ में जाओ, तो ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हम यहाँ पर थोड़े ना रहने आए हैं, हम तो भगवान पे आश्रित हैं, भगवान देखेंगे। सो हरे क्या होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पॉइंट ये है कि हम लोग को पता है ये फुल टाइम लाइफ क्या है, इसलिए हमारे माइंड में कुतर्क नहीं आते,
कुतर्क उसके माइंड में आते हैं कि उसको पता ही नहीं कि भगवान की शरणागति का मतलब क्या है, इसलिए अर्जुन के माइंड में कुतर्क आ रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि भगवान की शरणागति होती क्या है। और उस कुतर्क को उसने क्या किया है, कुतर्क तो आ गए, वो तो चलो एक बुरी बात हो गई, उसने और बुरी बात कर दी, उस कुतर्क को क्या कर दिया, धर्म से उसने उसके धर्म की आड़ में उसने उसको सही बता दिया, नहीं तो और बुरा हो गया। मैं एक बंदा बोल दे यार मैं चलो मैं गलत सोच रहा हूं, मुझे पता है मैं गलत सोच रहा हूं मगर मैं करूंगा ऐसे ही, आप कुछ भी कर लो, मैं तो शादी करके रहूंगा, आप कुछ भी कर लो, भगवान भी आ जाए तब भी, भाई मुझे पता है मैं गलत हूं, मैं करूंगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ठीक है चलो मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे मैं इतना एलिवेटेड नहीं हूं और मैं ऐसा हूं, ठीक है चलो दैट्स ओके दैट्स फाइन। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात है कि नहीं यार अब ये सारे कूतर देखे और ये सब ऐसा करना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ये तो ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो, सिर्फ मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं, ये सबके ये हम सब अपने माइंड में करते हैं, ये एग्जांपल है, सब अपने माइंड में करते हैं, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हम लोग, तभी हम वैष्णवों की गुरु की और भगवान की बात एज इट इज मान ही नहीं पाते, ये सब अपने मन में ऐसे चलते जा रहे हैं, है नहीं, तभी नियम फॉलो नहीं कर पाते हम, ये सिंपल नियम है भक्ति के, वो ही फॉलो नहीं होते नियम, क्योंकि हम अपने माइंड में कुतर्क बनाते रहते, कुछ 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 तू कुछ कुतर्कों का तो धर्म से आड़ दे देते, कुछ कुतर्कों का जब आप धर्म से आड़ नहीं दे पाते तो क्या करते हो, तो पता क्या बोलते हैं माइंड, या धर्म भी छोड़ो कुतर्क भी छोड़ो, मैं तो करूंगा ही बस, ठीक है हो गया, फिर अल्टीमेटली ऑब्स्टिनेट बन जाते हैं, ऑब्स्टिनेट समझते हो, एंड ही है ऑब्स्टिनेशन, इस अध्याय का एंड ही है। अर्जुन ने क्या किया है आखिरी श्लोक में, अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया, नहीं आखिरी श्लोक क्या है प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया, इसको कहते हैं ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट पता क्या होता है, जिद्दी अड़ियल, मन कहेगा छोड़ यार धर्म वर्म, अब कोई श्लोक ही नहीं मिल रहा शास्त्रों में जो मैं सोच रहा हूं, अब क्या करूं मैं तो गलत साबित हो गया, छोड़ो यार श्लोक को छोड़ो कुतर को छोड़ो वैष्णवों को छोड़ो, भाड़ में मैं तो करूंगा ऐसा, जैसे अर्जुन ने धनुष बाण रख दिया, हम कंठी वाला साइड में रखते हैं, हो गया भैया मैं करूंगा, माइंड ऐसा सोच लेता है अंदर, सो माला खत्म करके जो आपको खराब काम करना करूंगा मैं तो करूंगा भैया बस दैट्स इट, ऐसे होता है नहीं होता हमारे साथ, हम सोच लेते हैं गलत गलत कर लेते हैं। सो अर्जुन एंड यहां चैप्टर यही हो रहा है, ये लॉजिकल ये फॉल डाउन है जीव का, समझ रहे हो, ऐसे जीव धीरे 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 गिर जाता है। अर्जुन शुद्ध भक्त है नहीं है, प्रभुपाद पॉपर्ट्स में लिख रहे हैं अर्जुन शुद्ध भक्त है मगर अभी कंफ्यूज हो गया। सो कंफ्यूज कैसे हुआ, सो पहले तो अर्जुन ने अपने मन से सोचना शुरू किया, नहीं, और मन से सोचने की वजह से अर्जुन मूर्ख बन गया, मूर्खता से क्या हो गया, आसक्ति आ गई, आसक्ति से अंधा हो गया, और अंधेपन से फिर कुतर्क देने लगा, और फिर कुतर्क को उसने किसका आड़ दे दिया, धर्म का आड़ दे दिया, और फिर उसके बाद उस वो सब उसके माइंड में सेट हो गई बात, और फिर एंड में ना कुतर्क ना धर्म कुछ भी नहीं भैया, मन ऑब्स्टिनेट मैं तो करूंगा ही करूंगा, बस वो संसार में आ गया, बहुत एक संसार में क्या कर सकता कोई। फर्स्ट चैप्टर ये है लॉजिकल प्रोग्रेशन इफ यू सी अबाउट दिस, एंड अब भगवान को अर्जुन को इन सब कुतर्कों से मानसिक धर्म से कल्पनाओं से आसक्तियों से सबसे निकाल के उसके दिमाग में एक पॉइंट फिट करना है, क्या, कि भगवान और उनके सेवक में एक दिव्य मधुर संबंध होता है जहां पे भक्त अपने स्वामी की सेवा करता है और भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने का अवसर ढूंढते रहते हैं, इसलिए अपनी इच्छाएं छोड़ के भगवान की इच्छाएं पूर्ण करने में ही, भगवान और वैष्णव की इच्छा पूर्ण करने में ही जीवन की सक्सेस है, अदरवाइज आप फेलियर हो जाओगे। दैट्स फर्स्ट चैप्टर।
हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? स्टॉप है। इंपॉर्टेंट था नहीं था? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या एक्चुअली पहला अध्याय क्या है? शीशा है, आपकी शक्ल ही दिखा रहा है आप कौन हो। अर्जुन के थ्रू भगवान दिखा रहे हैं आप कौन हो, और फिर इसलिए आपके लिए गीता है। बस पहला अध्याय यही है पूरा। और ध्यान से अगर पढ़ोगे पर्पट तो समझ आएगा, ऊपर श्लोक पढ़ोगे तो नहीं आएगा। प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ोगे ना समझ आने लगेगा। तो ये है कि हर एक के लिए ब्रह्मचारी लाइफ भी नहीं होती। मैं तो एग्जांपल दे रहा था। अगर हम समझते हैं कि कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। चलो मान लीजिए कोई कर भी सकता है, ठीक है, बट वो अपने माता पिता का एक ही पुत्र होता है। माता पिता भी उसके ऊपर ही आश्रित होते हैं, माता पिता का भरण पोषण वही कर रहा है। इसे एक ही पुत्र है। हाँ, एक ही पुत्र है। प्रहलाद भी एक ही पुत्र है। तो क्या है? प्रैक्टिकल ही हो पाता ना। पूछ लो ना, बलराम भी एक ही पुत्र है। अब तो चलो एक ही पुत्र है। बलदेव भी एक ही पुत्र है। आप भी तो एक ही हो। तो क्या है? तो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है बता दो, खुद ही बता दो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? कभी तो चल रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं। बलराम आपके रावण फ्रू के, इनके तो फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी फाइनेंस में। रावण फ्रू की फैमिली तो स्ट्रांग नहीं है स्ट्रांग फाइनेंशियली, मगर है पूरी तरह सरेंडर्ड। चल रहा है, देख लो। यही तो बात है, अगर उसके माइंड में भरोसा नहीं है ना कि कैसे चलेगा, तो फुल ब्रह्मचारी लाइफ के लिए वो सही नहीं है। इसलिए हम ही उसको बोल देंगे कि तुम कर लो विवाह। हमारे वैष्णव का आदेश होगा उसके लिए। तभी मैं कह रहा हूं हर आदमी नहीं बन सकता। सो इसलिए वैष्णव की बात माननी चाहिए। अगर वैष्णव कहते बनना है तो बनना चाहिए, उनको पता है, उनको ज्यादा पता है। अगर वो कहे तुम्हें नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए बस। या वो ये भी कह सकते हैं कि तुम 6 महीने ट्रेनिंग ले लो और फिर उसके बाद गृहस्थ में चले जाओ, ऐसा भी होता है। तो वो तो पूछना पड़ेगा आपको, खुद से नहीं डिसाइड हो पाएगा ना। अलग अलग कंडीशन में ऐसे चलता है। कुछ है वो ब्रह्मचारी मतलब 7 जन्मों में भी नहीं बन सकते वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो दे आर मेड फॉर ईच अदर। वो ऐसे ही होता है, वो बने ही ऐसे होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट शादी करना नहीं है, यही प्रॉब्लम है। पॉइंट ये नहीं कि अर्जुन लड़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, पॉइंट ये कि भगवान की बात मान रहा है नहीं मान रहा है। अगर भगवान अभी कहे नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना। सो अगर कोई व्यक्ति, अगर गुरु ने कह दिया तुम शादी करो, वो शादी नहीं कर रहा, तो वो उसको भगवान कृपा नहीं देंगे, बस ब्लॉक हो गई। अगर नहीं देखो ये हमें तो ब्रह्मचारी लाइफ थी, ठीक है। अर्जुन की भी तो प्रॉब्लम है, अर्जुन धर्म की तो बात कर रहा है मगर वो भगवान नहीं चाहते अभी धर्म पालन करे, तो प्रॉब्लम हो गया है अभी। सो पॉइंट ही नहीं है हमारी। प्रॉब्लम शादी करना नहीं है हमारी। प्रॉब्लम है हम बात नहीं मानना चाहते, प्रॉब्लम हमारी है। अब वैसे एक्चुअली मैंने एक पॉइंट नहीं बताया। अर्जुन ने कहीं तो अर्जुन ने धर्म की बात भी की, मगर अर्जुन ने ये बात की, अर्जुन ने वैराग्य की बात भी की है नहीं? पहले अध्याय में भगवान में सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाओ, है नहीं? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि वैराग्य तो ऊपर है ना, मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग नहीं है। सो भी क्षत्रिय का धर्म पालन करना वो प्रवृत्ति मार्ग है धर्म, मगर वैराग्य उससे ऊपर है। अर्जुन ने कहा भगवान वैराग्य चलो सब कुछ छोड़ छाड़ के चलते हैं, वो तो शास्त्रों में इतनी प्रशंसा है। वहां ने कहा बेवकूफ, अभी तुम्हें वैराग्य नहीं करना, अभी तुम्हें युद्ध करना है, यादव पर, क्योंकि मेरा आदेश है। जिस दिन हमारे दिमाग में फिट हो जाए बात है, उस दिन हम निकल गए बस। अगर किसी वैष्णव ने बोल दिया कि तुम्हें 10 शादी करनी है तो क्या करोगे? ओके यार तुम पागल हो गए हो। वेल कुंती ने क्या बोला था पांडवों को, द्रौपदी को क्या बोला था? तो पांडव ने आके ए बुढ़िया सन की हो गई है, निकालो इसको। कुछ नहीं। कुंती महारानी वैष्णव थी ना एक्चुअली, वो क्यों माना उन्होंने बात उनकी?
इसलिए नहीं कि माँ थी, माँ अगर होती तो जोकिंगली मना कर देते, मगर पांडवों को पता था कि कुंती बहुत बड़ी डिवोटी है। एक्चुअली एक दूसरे को पता था पांडवों को एक दूसरे में कि बहुत बड़े डिवोटीज हैं, हम सबको युधिष्ठिर महाराज को भी पता था, भीम बहुत बड़ा वैष्णव है, अर्जुन, कुंती, सो उनको पता था कि ये बहुत बड़ी वैष्णव है तो इनकी बात हम मना नहीं कर सकते। ये जो बोल रही है भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं उनको, यू सी दे कुड अंडरस्टैंड, क्योंकि वो भी शुद्ध भक्त है ना, उनको पता लग गया कि ये भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं इनको बोलने के लिए, सो वी शुड एक्सेप्ट, ये ऑर्डिनरी फीमेल नहीं है। उन्होंने कर लिया, चाहे कितना इलॉजिकल लग रहा था, तो देन थिंग्स हैपेंड, तभी तो वो वहां है। सो यही सीखना है हमें, बस बात माननी है, बात मानना बड़ा मुश्किल होता है नहीं, वो अपने मन से तो कुछ भी करना बहुत आसान है नहीं, हम करते ही रहते हैं अपने मन से, अपने मन से करना तो बड़ा अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है तभी तो करते हैं, फ्री है ना। बात मानने में किसी के अंडर रहना है या उसकी बात माननी है वो बड़ा मुश्किल है, सरेंडर करना, नहीं तो सरेंडर है ना, सरधान परितज्य मामे काम, धर्म पालन करना बहुत आसान है क्योंकि वो अपनी मर्जी से करता है आदमी, है नहीं, मैं ये कर लूंगा और ऐसा कर लूंगा, देखो मैं गृहस्थ दान करूंगा, सच बोलूंगा और ऐसा करूंगा, अपने डिपेंडेंट्स का पालन करूंगा, बहुत अच्छा धर्म होगी। भगवान कह रहे हैं सर धर्मान माँ में काम शरणम रजा, उसके गुरु आएंगे बेटे घर छोड़, ओ भैया ये क्या है देन व्हाट वाज हैपनिंग, मानने को तैयार ही नहीं। सो देन भगवान उसको अपने धाम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि जब तक उसको ये आदत नहीं पड़ेगी ना बात मानने की, तो उसको अपने धाम ले जाके क्या करेंगे, वहां पे भगवान कुछ कहेंगे, वैष्णव कुछ कहेंगे, वहां पर बात मना करता रहेगा, तो वहां तो आतंक मच जाएगा, कंफ्यूजन ही हो जाएगी। वहां तो वही लोग जाते हैं जिनको सबऑर्डिनेट होने की बहुत मुश्किल है, बात मानना दूसरों की बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है किसी की बात मानना। जो गृहस्थ है शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि बात मानने का मतलब क्या होता है, क्योंकि आप घर में हो ना ज्यादा नहीं, जो ब्रह्मचारी उनको पता लगता है कि दूसरों की बात मानना, मंदिर में समझ आता है, जो मंदिर में 24 घंटे रहते हैं ना उनको पता लगता है किसी के अंडर रहना मतलब क्या होता है, गुरु कुलवासे, वो ब्रह्मचारी आश्रम मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फुल टाइम लाइफ में पता लगता है किसी के अंडर, गुरु के अंडर, प्रकृति के नियमों के अंडर, प्रकृति पे भी निर्भर है ना, उसके अधीन है ना प्रकृति पे, प्रकृति खाना देगी तो देगी, नहीं देगी नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हो, तो सबके अंडर चल रहे हो आप फुल टाइम लाइफ में, तभी तो वो पूर्ण शरणागति है, तब समझ आता है कि क्या होता है, तब आपको निर्भर होकर रहना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते आप। सो इसलिए हम गृहस्थों को बोलते हैं कि भैया कुछ सेवा ले लो मंदिर में, खुद से आ गया हो सेवा लो, उस सेवा लेने से आपको आदत पड़ेगी बात मानने की, लड़ो मत एक दूसरे से, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करो, उससे आप आपका माइंड ट्रेन होगा कि मैं वैष्णवों की बात मान रहा हूं, यू सी फर्क हो रहा है, नहीं हो रहा है, चाहे आपको इतना ठीक भी ना लगे तब भी कर लो, क्योंकि काम होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली काम तो हो गया, अगर आपने बात मान ली काम हो चुका है, आपका माइंड ट्रेन हो गया, ओके मैंने वैष्णव की बात मानी, भगवान खुश हो गए। सो इसलिए फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने फर्स्ट चैप्टर समझ लिया उसने गीता समझ ली, जिसने फर्स्ट चैप्टर समझा नहीं उसको गीता पढ़ के भी कुछ समझ नहीं आया, दैट्स द पॉइंट, ठीक है विकास, और क्या पूछना है, किसे और किसके क्वेश्चन था, ये कह रहा था उसने, ओके एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज मैसेज तो क्लियर है, क्या कह रहे सुजितन, ओके श्री प्रभुपाद की जय।